गया मिलोर्ड कि दामिनी पागल है और उसे पागल खाने भेज दिया गया। वहाँ उसे पागल करने की पूरी कोशिश की गई और दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का कत्ल कर दिया गया मिलोर्ड। कत्ल और केस बना खुदकुशी का। हालांकि मैंने अदालत में साबित कर दिया कि वो कत्ल था, लेकिन ये बात पूरी तरीके साबित हो जाती इससे पहले चड्ढा साहब ने अपनी बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली, वरना ये केस तो उसी दिन ख़त्म हो जाता मिलोर्ड, उसी दिन। और आज आप फिर से तारीख दे रहे मिलोर्ड, और उस तारीख से पहले एक ट्रक मुझे कुचल कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का, और आप फिर से तारीख दे देंगे और उससे पहले दामिनी को पागल करार करके पागलखाने भेज दिया जाएगा। और इस तरह ना इंसाफ से लड़ने वाला बचेगा, ना इंसाफ दिलाने वाला बचेगी, तो सिर्फ तारीख मिलोर्ड, तारीख मिलोर्ड, यही होता आ रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही मिलोर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड। मिली तो सिर्फ तारीख मिलोर्ड। कानून के दलालों ने तारीख को कानून के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया मिलोर्ड, हथियार। जहाँ पे दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर कानून का धंधा होता है मिलोर्ड, धंधा, जी हाँ धंधा मिलोर्ड। जहाँ दो तारीखों के बीच गवाह खरीदे जाते हैं, काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है तो सिर्फ तारीख, सिर्फ तारीख मिलोर्ड। लोग अपना घर बार जायदाद बेच कर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं सिर्फ तारीख। औरतें अपने गहने जेवर, यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र तक बेच देती हैं मिलोर्ड, और वो भी ले जाती हैं तो सिर्फ तारीख, सिर्फ तारीख मिलोर्ड। ये नहीं, बस इतना ही नहीं, कितने फरियादी महीनों सालों अदालत के चक्कर काटते काटते फरियादी खुद बन जाता है एक तारीख, लेकिन वो भी ले जाता है तो सिर्फ तारीख मिलोर्ड। ये केस सिर्फ दामिनी का नहीं है, ये केस उन सैकड़ों सताए हुए लोगों का है जो, और उन सब की नज़र आज आप पे टिकी है मिलोर्ड, आप पे, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख मिलोर्ड। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, जला डालिए कानून की इनकी।